तो चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और युवा कांग्रेस नेता वैभव गहलोत के जन्मदिन पर उनके गृह जिले जोधपुर में कांग्रेस जनों में खासा उत्साह का माहौल है। पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर युवा कांग्रेस नेता और समाज सेवी तक वैभव गहलोत को फोन पर बधाइयां दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर चार पीढ़ियों से सीएम अशोक गहलोत के कराए गए विकास कार्यों की वजह से उनके प्रशंसक जो है यहाँ पर शैतान सिंह और साखला ने भी परिवार संग वैभव गहलोत के जन्मदिवस पर केक काटकर खुशी जाहिर की है। यहाँ पर सांखला और उनके पुत्र राम रतन ने बताया कि वैभव गहलोत पिछले 15 वर्षों से पार्टी की सेवा के लिए समर्पित रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा हो, लेकिन चुनाव मैदान में जिस उत्साह से वैभव गहलोत ने अपनी पहचान शहर से लेकर गाँव और ढाणियों तक जो आमजन के दिल में जगह बनाई है, तो फर्स्ट इंडिया संवाददाता राजीव गौड़ ने समाज सेवी शैतान सिंह सांखला के निवास पर वैभव गहलोत की जन्मदिवस पर खास बातचीत की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कांग्रेस के युवा नेता वैभव गहलोत का आज जन्मदिवस है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन तो उनका जन्म अत्यंत सादगी से मना ही रहे हैं, क्योंकि इस वक्त चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रति जोधपुर में आत्मीयता का ये भाव आप देख सकते हैं कि एक हम उस परिवार में खड़े हैं जहाँ पे चार पीढ़ियाँ जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वैभव गहलोत से जुड़ी रही हैं। लगातार जिस तरीके से जोधपुर से अशोक गहलोत और वैभव गहलोत का जो जुड़ाव रहा है, उसी के चलते ये जो प्रेम है, अपनत्व है, सद्भावना है, वो देखने को मिल रही है। शैतान सिंह सांखला के निवास पर उनके जन्मदिवस पर बहुत ही अत्यंत सादे तरीके से केक काटा गया और उनको दीर्घायु होने के साथ आगे बढ़ने की जो है वो शुभकामनाएं दी जा रही है। शैतान सिंह जी, आज वैभव गहलोत का बर्थडे है, आप अत्यंत सादगी से आपने केक काटा है, क्या आपको को शुभकामना दे? मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं अशोक गहलोत साहब के छात्र जीवन से, यूनिवर्सिटी में जब ये इलेक्शन लड़े थे पन्नी सिंह जी के सामने, उस वक्त से इनके साथ जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी इनके साथ जुड़े हुए थे। ये कट्टर कांग्रेसी परिवार है, तो अशोक गहलोत साहब से हमारी तीन चार पीढ़ियाँ लगातार जुड़ी। मेरे पिताजी जुड़े रहे, उसके बाद मैं जुड़ा रहा, उसके बाद मेरे पुत्र राम रतन सांखला जुड़ा रहा, उसके बाद मेरे ये जो छोटे पोते हैं वो भी अशोक गहलोत कोई नाम से पुकारते हैं, और वैभव गहलोत के प्रति इनकी बड़ी एक उत्सुकता है। क्यों, ये युवा नेता के रूप में समाज में एक उभरा है, ये भी एक 36 कौम का उभरता नेता बनेगा। हार जीत तो एक महाभारत की कथा के समान होती है, हार जीत होती रहती है, करती रहती है, मगर ये इनका जन्मदिन है आज। इस उपलक्ष्य पे मैं इसको हार नहीं मान के जीत के रूप में इनका जन्मदिन का उपहार देना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं कि खुशी से कि क्या आप वैभव गहलोत के जन्मदिन पर क्या उनको आशीर्वाद देंगे? भाई वो आगे जाके बहुत तरक्की करें, भगवान उनके भला करें, और आगे जाके वैभव भी मोटा नेता बने। रामरतन जी क्या कहेंगे, वैभव युवा नेता है, चुनाव हार चुके हैं, क्या उनका जन्मदिन मना रहे हैं, उनको शुभकामना दे रहे हैं? हमारे लिए वैभव जी की हार जीत कोई मायने नहीं रखती, भले वो इलेक्शन हार गए लेकिन जोधपुर की जनता का दिल उन्होंने जीत लिया है। वो जोधपुर आए, अपनी कैंपेनिंग की, आम लोगों से मिले और बड़े सादगी से, और अपने कोई अपना पुराना मित्र या अपना घर का रिश्तेदार मिलता जैसे मिले। हमारे यहाँ पे बैठे थे घंटा डेढ़ घंटा, उन्होंने हमारे परिवार को भी दिया था। तो मैं तो ये मानता हूँ हार जीत इलेक्शन की कोई मायने नहीं रखती, आपनो वैभव ये हमारा है, जोधपुर की जनता का वैभव ने दिल जीता है और वैभव बहुत आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि उनके जन्मदिवस पर जिस तरीके से जो 1976 से अशोक जी के साथ हम हुए हैं, पर अशोक जी में कोई तब्दीली नहीं आई और अच्छे से अच्छे हुए आज। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको प्रधानमंत्री बनाओ। तो आप देख सकते हैं कि जो भावनाएं हैं वो इस तरह की हैं, जैसे अशोक गहलोत के साथ इस परिवार की जोधपुर की भावनाएं हैं, वैसी ही भावनाएं वैभव गहलोत के साथ हैं। चुनाव हारने के बाद भी इस सादगी से उनका जन्मदिन मनाकर उन्हें जब शुभकामनाएं दी जा रही हैं, उन्हें दुआएं दी जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो फलीभूत होकर कहते भी हैं कि ये हार नहीं, ये एक जीत है। जीत इसलिए कि उन्होंने जनता का दिल जीता है, यही जनता है जो आने वाले समय के अंदर वैभव गहलोत को कामयाबी के शिखर तक लेकर जाएगी। स्वर्गीय भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।